You are watching Cooksmart and I am Sanjeev Kapoor. और अब बनाते हैं कुछ spicy सा, बढ़िया सा, tasty सा, delicious सा और फटाफट. तो ये चटनी जो है, ये देखिए, ये ले ली. तो ये चटनी में prawns को लगाना है. तो ये prawns ले लिए. इसमें क्योंकि सारी चीजें हैं, ये Schezwan चटनी spicy भी है, तीखी है. मतलब एक तरह से मसाला marinade का काम कर रही है यहाँ पर. तो ये एक काम और करना है, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डालना है मुझे. ये लीजिए इस मैरिनेड में और इसको रख दे करीब 15-20 मिनट तक ऐसे ही. अब इसे हमें रैप करना है और रैप करने के लिए मेरे पास रैपर्स हैं. और ये जो रैपर्स हैं ना, ये कौन से रैपर हैं? ये रैपर हैं बेकन. ये लीजिए, बेकन बाजार में आसानी से मिल जाता है. तो बेकन लेकर इसमें से अब गार्लिक निकाल लेना है. गार्लिक का इस्तेमाल तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तो गार्लिक निकाल लीजिए. और ये जो डंडियाँ हैं ना, इसमें भी बड़ा फ्लेवर होता है. ये रख देते हैं इसमें फ्रेश थोड़ा गार्लिक का फ्लेवर. अब ये जो प्रॉन है, इसको हमें लपेटना है. ये देखिए, ये इसको हम इस तरह से लपेट लेते हैं. ये आ गया और एक टूथपिक से सिक्योर कर लिया. ये इसको चाहे तो काट सकते हैं, चाहे तो रख भी सकते हैं. ये लिया और अब पैन ले लेते हैं और इस पैन के अंदर इन प्रॉन्स को डालेंगे. पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, कोई तेल वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा नींबू का रस इसके अंदर. नींबू के रस से क्या होता है कि ये थोड़ा सा डीग्लेज भी हो जाता है. और बस बंद कर दिया और अब ये जो टूथपिक है, इसका काम भी हो गया. तो ये निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए. ये बस गार्निश किया और तुरंत इसको सर्व कीजिए, खाने में डिलिशियस. अब वेजिटेरियन लोग जो हैं वो क्या करेंगे? भाई वेजिटेरियन लोग का भी हमने तरीका बनाया हुआ है, कुछ मीठा बनाएंगे और ऐसा मीठा बनाएंगे और मीठे के साथ साथ बड़ी मीठी मीठी बातें भी करेंगे, फिल्मों के बारे में बातें करेंगे, नागेश कुकनूर से मिलेंगे, उसके साथ साथ खैर अभी तो इस पर ध्यान दीजिए.